सुप्रभात बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में अभी तक आपको जो कविताएं पढ़ाई गई थी अध्याय 6 तक कविता भाग में, उनमें समस्त कविताएं आपकी आधुनिक काल से आती हैं और प्रत्येक कविता जो है वो खड़ी बोली में है। अब आपका आधुनिक काल पूरा हो जाता है और आधुनिक काल के पश्चात भक्ति काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति काल में आपको सबसे पहले तुलसीदास जी की कविताएं पढ़नी है और तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है उसमें जो भक्ति काल आता है उसकी विविध ब्रांच हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। पहली शाखा उसमें होती है कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा होती है और प्रेमाश्रय में जो आता है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के कवियों में सर्वोच्च स्थान इनको प्राप्त है। इनकी रचनाओं में आपने रामचरितमानस के बारे में अवश्य सुना होगा। रामचरितमानस जो है वो पूरी की पूरी रचना राम पर केंद्रित है, यानी राम के व्यक्तित्व को, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक एक करके उनके समस्त जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को तुलसीदास जी ने काव्यबद्ध किया है। तो उसी रामचरितमानस से आपके पाठ्यक्रम में कुछ कवितांश हैं। और ये कवितांश कहाँ से आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस के भी अलग अलग कांड हैं। उनमें रामचरितमानस का एक कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड से आपके पाठ्यक्रम में कुछ अंश लिए गए हैं और ये चौपाई और दोहा छंद में है। रामचरितमानस में चौपाई और दोहा इन्हीं छंदों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। हालांकि और दूसरे छंद भी प्रयोग हुए हैं लेकिन चौपाई और दोहों से बनती है रामचरितमानस। तो छंद के बारे में आपको बाद में परिचय कराया जाएगा, तो पहले आप उनके द्वारा जो लिखित रामचरितमानस से आपके पाठ्यक्रम में कविता है जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम, उसके पहले छंद में आते हैं चौपाई के रूप में है और उसके बाद में अंत में एक दोहा। ये परंपरा उन्होंने अपने इस प्रबंध काव्य में अपनाई है कि चौपाई के बाद में एक दोहा वो अवश्य रखते हैं। तो भरत राम का प्रेम, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है और आप जानते हैं कि भरत जो थे वो राम के छोटे भाई थे। छोटे भाई सहोदर नहीं थे। सहोदर का मतलब होता है जिनकी जननी एक ही होती है उनको सहोदर भाई कहा जाता है। सहोदर शब्द का मतलब होता है सह उदर, अर्थात जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया है उनको सहोदर कहा जाता है। तो सहोदर ना होते हुए भी राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या के राम थे, तो भरत जो थे वो कैकेयी के थे। तो सहोदर ना होने के बावजूद भी उन भाइयों में आपस में इतना प्रेम था, इतना अनुराग था कि एक दूसरे के बिना कभी वो रह नहीं सकते थे। तो जब अयोध्या वापस आते हैं भरत अपने ननिहाल से और उनको पहले ये सूचना नहीं दी जाती कि अयोध्या में ऐसा अनर्थ हो गया है कि कैकेयी के कहने पर राम को देश निकाला दे दिया गया है, 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, तो भरत को ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो सभा में आते हैं और उनको बहुत सारे दुखद समाचार एक के बाद एक मिलते हैं तो पूरी तरह से वो टूट चुके हैं। तब भाई राम के प्रति अपने मन में आए भावों को वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो कविता यहाँ से शुरू होती है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े भरत। जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में खड़े हैं, उनका शरीर सुकोमल है, लेकिन अब आगे देखिए वो किस तरह के वचन बोलते हैं। पुलक की शरीर सभा भय ठाड़े, पुलक कर सभा के बीच में भरत आकर के खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े और उनके कमल रूपी नयनों से स्नेह रूपी जल बहने लगता है।
नीरज कहते हैं कमल को, और नयन को जो रूपक दिया गया है, आंखों को जो रूपक दिया गया है वो नीरज का दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। यानी उनके कमल रूपी नेत्रों से स्नेह रूपी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि अब उनके भाई यहाँ अयोध्या में नहीं हैं और वो वनवास को चले गए हैं। कहव मोर मुनि नाथ निबाहा, भरत कहने लगते हैं, कहव का मतलब कहने लगते हैं, मोर मुनि नाथ निबाहा, मेरे भाई राम ने मेरे प्रति एक स्वामी का दायित्व निभाया है, जैसे कोई स्वामी या कोई ऋषि अपने शिष्य या अपने भक्त के लिए करता है, वैसा ही मेरे भाई ने मेरे लिए किया है। एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ कि मेरे भाई राम मेरे लिए मेरे स्वामी समान थे, क्योंकि एक स्वामी का दायित्व उन्होंने मेरे प्रति निभाया है। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, मैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम के सुभाव मतलब स्वभाव को जानू जानता हूं। मैं अपने स्वामी, निज नाथ का मतलब क्या होता है, अपने स्वामी यानी रामचंद्र जी के सुभाव स्वभाव को जानू जानता हूँ। अपराधियों पर कोह न काऊ, वे तो अपराधी के ऊपर भी कभी क्रोध नहीं करते। तो राम मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उनका जो स्वभाव है वो तो वैसा है कि अपराध करने वाले के प्रति भी उनके मन में क्रोध नहीं आता। मेरे स्वामी राम का स्वभाव बहुत ही मृदु स्वभाव है। मो पर कृपा स्नेह विशेखी, और मेरे ऊपर तो उनकी कृपा और भी ज्यादा विशेष है, उनकी मेरे ऊपर स्नेह की कृपा और भी ज्यादा विशेष है। यानी वो स्नेह सबसे करते हैं, अन्य सबसे करते हैं, लेकिन मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो वह स्नेह और भी विशेष है, यानी सबसे ज्यादा प्यार मेरे भाई राम मुझे तो करते हैं। खेलत खुनिस न कबहू देखी, जब बचपन में हम खेलते थे, मैं हमको बचपन से ही जानता हूं, बचपन में जब हम एक साथ खेलते थे, खेलत खुनिस न कबहू देखी, तो उन्होंने कभी मेरे ऊपर खुन्नस नहीं निकाली, क्रोध नहीं किया, मैंने कभी अपने प्रति उनके मन में क्रोध नहीं देखा नहीं पाया। शिशुपनते यानी शैशवावस्था से ही, शिशुपन मतलब बचपन से ही, परिहरेउन संगु, वे हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हम बचपन से ही एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, कब हुने कीन मोर मन भंगु, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे प्रति अपने मन में किसी भी तरह का कोई क्रोध नहीं पाला। यानी मेरे प्रति हमेशा जो उनका मन रहा है वो बहुत ही मृदु रहा है, उनका जो स्वभाव रहा है मेरे प्रति वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। कैसे? मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर किस रीति से किस तरीके से बरसती रही। हारे खेल जिता वही मोही, जब मैं खेल में हार जाता था बचपन में तो वो मुझे विजयी घोषित कर देते थे, या जब मैं हारने लगता था तो वो ऐसा काम करते थे जिससे कि मैं जीत जाऊं। तो ऐसा भाई, देखो बचपन में क्या होता है, बच्चों में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव हो जाता है, लेकिन यहाँ भरत कह रहे हैं कि जब बचपन में, बड़े होने के बाद तो मैच्योरिटी आ जाती है, मन बदल जाता है, लेकिन बचपन में भी मेरे भाई राम ने खेल जब हम करते थे, खेलते थे उस समय मेरे ऊपर कृपा बना के रखी, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो मेरे से ईर्ष्या करते होंगे। तो मतलब ये है कि उनको आने के बाद ये शायद उनके कान भर दिए गए होंगे, उनको कहा होगा कि आपके लिए ये किया गया है, राम नहीं चाहते थे, उनका क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई हमेशा मेरे प्रति बहुत ही हृदय में प्रेम की भावना रखता था। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, अब ये दोहा आ जाता है, पहले तो अभी तक क्या थी, चौपाई थी, और अब ये क्या है, ये दोहा है। तो भरत क्या कहते हैं यहाँ, मैं अपने प्रभु श्री राम की आदर्श परंपरा को जानता हूँ। भरत कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम का अत्यधिक सम्मान करता हूँ, परंतु मैं कभी भी
ये सम्मान करने वाली बात उनके सम्मुख नहीं कह सका, अपनी वाणी से नहीं कह सका, क्योंकि मुझे संकोच होता था कि ये भी कुछ कहने की बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ऐसा संकोच वश हुआ है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र, अगली पंक्ति देखें, दर्शन त्रिपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन, यानी मेरे प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, यानी उनको देखने की इच्छा हमेशा मेरे मन में बनी रहती है, आज तक मेरे नयन मेरी आंखें उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुई हैं, अर्थात मेरे नयन उनको देखे बिना आज भी प्यासे के प्यासे ही हैं। तो एक बार फिर बच्चों को देख लो थोड़ा जल्दी में। भरत राजसभा में उपस्थित होते हैं, उनके नेत्रों से, और कैसे नेत्र हैं, कमल रूपी नेत्रों से स्नेह के रूप में आंसू बढ़ जाते हैं, बहने लगते हैं। वो कहते हैं, कहब का मतलब दूसरी पंक्ति पाइए, वो कहते हैं कि मेरे राम ने मेरे प्रति जो आज तक स्वभाव निभाया है वो स्वामी का स्वभाव और एक जैसा मुनि होता है शांत स्वभाव ही निभा है, मैं इससे और ज्यादा क्या कह सकता हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि मैं अपने उस स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ। तीसरी पंक्ति देखें, मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने उस स्वामी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काहू, उनका स्वभाव तो ऐसा है कि अपराध करने वाला अपराधी जब सामने खड़ा होता है तब भी उस पर वो क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह विषेकी, और मैं तो उनका सगा भाई हूँ, सहोदर हूँ, सहोदर चाहे ना भी हूँ लेकिन मेरे ऊपर तो उनकी विशेष रूप से कृपा बनी रही है और स्नेह मेरे ऊपर विशेष रूप से बरसता रहा है। जब हम बचपन में खेलते थे, खेलत खुनिस न कभू देखी, तो अपने प्रति खेल खेल में भी मैंने उनके मन में मेरे प्रति कभी खुन्नस या क्रोध नहीं देखा। शिशुपंते परिहरे उन संगो, मैं शिशुपन से ही उनके साथ में रहा हूँ, यानी बचपन से ही मैं उनके साथ में रहा हूँ लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। आगे क्या कहते हैं, शिशुपंते परिहरे उन संगो, कब हूं किन मोर मन भंगू, और उन्होंने कभी भी मेरे मन को भंग नहीं होने दिया, यानी मेरा दिल टूट जाता था तो मेरा मन भंग हो जाता था, ऐसा अवसर उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया। मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही, मैं अपने प्रभु राम की जो आदर्श परंपरा है उसको अच्छी तरह समझता हूँ, जानता हूँ कि वो किस तरह के स्वभाव के रहे हैं। वो तो ऐसे रहे हैं, हारे हूँ खेल जीता वही मोही, कि यदि मैं खेल में कभी हारता था बचपन में तो मुझे ही वो विजयी घोषित कर देते थे, या जब मैं हारने लगता था तो विरोधी टीम में होने के बावजूद भी वो मुझे जिताने की कोशिश करते थे। महुसने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, मन ही मन में उनके प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा प्रेम रहा है लेकिन संकोच वश कभी मैं अपनी वाणी से उनके सम्मुख अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाया। दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, और मेरे जो नयन है आज तक प्रभु के दर्शन के प्यासे हैं, आज तक तृप्त नहीं हुए हैं, तो मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला छंद।